हमारे छोकरे लोग को गली मिला क्रीक पे, यह हमारा बोट है। हाँ। लगता है इसमें लाश है, इसलिए हमने पुलिस को फोन किया। हमको फोन आया तभी तो इधर आया। हसन जी, कालीन जनाब, अजय रस्तोगी, ये तो लापता था। खत्म। आशिक मजनू, रशीद, यहाँ बाहर दुबई अबरा में एक एम्बुलेंस भेजो। हाँ, डेड बॉडी है, पोस्टमार्टम के लिए भेजना है जल्दी। खुदा हाफिज। पोस्टमार्टम के बाद हसन, आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। फिक्र मत कर, अब तेरा कातिल मेरी गिरफ्त में होगा। किफाला बीबी जी, सलाम अलैकुम हबीबा। वो क्या है ना, हम आपका पीछा कर रहे थे। नहीं हसन मियां, हम इनका पीछा नहीं कर रहा था। हम इनको इधर देखा तो सोचा आप बात कर ले। अच्छा भाई, हमको तो आपने बताया कि हम इनका पीछा कर रहे थे। नहीं, अभी भी का पीछा नहीं करता हसन मियां। ऐसे क्या करने आया था यार? अब मैं तो यहाँ लॉन्ड्री में कपड़े देने आई थी। ओ, बहुत अच्छा, गंदा कपड़ा धोना ही चाहिए। हाँ। लेकिन कहीं कोई दाग तो नहीं था? खून का। हसन मियां, जुर्म साबित होने के पहले ऐसे बात करना गुनाह है। अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा तुमको। पहले हम जुर्म साबित करेगा, फिर जो चाहे बोलो। अरे मैडम हमारा साथ है, बोलेगा ना मैडम? हमारा साथ देगा ना मैडम? मैडम, आपके कपड़ों के और कोट के पॉकेट से एनवलप मिला है। फोटो है शायद, देखिए जरा कौन सा फोटो है। आपके मतलब का नहीं है। पर हबीबा, चेहरे का रंग क्यों पीला पड़ गया? मेरी तबीयत खराब है। तो चलिए हमारे गाड़ी पे बैठिए, घर तक छोड़ देंगे। अंदर तक छोड़ेंगे, इसी बहाने एक बार फिर से घर देख लेंगे। वैसे कभी अजय आया था घर? ये क्या सवाल है? ये साबित करना चाहता कि तुम्हारा छोकरे के साथ कोई रिश्ता था। था क्या? छोड़िए राजीव मियां, इधर क्या पूछना। मैडम का तबीयत भी ठीक नहीं, घर चलकर बात करते हैं ना। चलिए आइए आइए मैडम। वो अजय रस्तोगी का डेड बॉडी नहीं किया है। ये खबर आपको आपके घर पे देना चाहते थे ताकि आपको सहारा की जरूरत पड़े तो दीवार का सहारा ले सके। और अगर बैठना चाहे तो बैठ भी सकती, बैठ जाइए। नहीं मैं ठीक हूँ। अभी तो आपका तबीयत खराब था। वैसे अजय का मौत का खबर सुनकर कोई सदमा तो नहीं पहुँचा ना आपको? मैं अपने पति से प्यार करती हूँ। तो फिर उस लड़के अजय के साथ क्या कर रही थी? बात है? मुलाकात है? या फिर रात? तो चलिए साबित कीजिए, साबित करके बताइए ना। हाँ, तो चलिए आपके बैग के साथ शुरू करते हैं। कहते हैं औरत का दुनिया उसके बैग में होता है, तो शायद यही आपके और अजय के रिश्ते का सबूत मिल जाए। बैग, बैग, बैग। शुक्रिया।
ये मेरा बैग चेक कर रहे हैं। क्या? आइए आइए, अभी तो घर की भी तलाशी लेंगे। क्योंकि अजय का डेड बॉडी मिल गया है। लेकिन कोई वारंट है आपके पास? हमें कानून सिखा रहे हैं आप? बता रहा हूँ। अच्छा तो ठीक है, अब हम पूरी तैयारी के साथ आएगा। राशिद के हाथों आज तक कोई भी मुजरिम बच नहीं सका। देखा इन बाजुओं को? आई विल कम बैक। हबीबी आप तो समझो गए, राशिद साहब जब अंग्रेजी बोल देते हैं ना, कोई नहीं बचा सकता। खुदा हाफिज। मायूस होकर मत बैठिए। एक तरफ पुलिस और एक तरफ हमारी जाती जिंदगी। क्या हो गया हमारी जाती जिंदगी को? तुमने ये सब कुछ करने से पहले सोचा भी नहीं कि जब मुझ पर जाहिर होगा तो क्या गुजरेगी। जहां हो वहीं खड़ी रहो। मेरे आंसू आज तक किसी ने ना देखे, ना कोई देखेगा। वो मेरी गलती है। अब यहां की हर चीज, यहां का रास्ता और ये घर मुझे मेरे दामन पर लगे बेवफाई के दाग और गुजरे लम्हों की याद दिलाते हैं। मैं कल ही दो टिकट खरीद रहा हूं, हम अगले दो दिनों में इंडिया वापस चले जाएंगे। नहीं नहीं, अब दो टिकट मत खरीदेगा। पुलिस वैसे भी हम पर शक कर रहे हैं। अगर हम दोनों यहाँ से निकल गए तो वो समझेगी कि हम भाग रहे हैं। हमें कभी भी अरेस्ट कर सकती है पुलिस। मैं 15 दिन बाद किसी तरह वहां चली आऊंगी। और हाँ, ऑफिस में किसी को कहना नहीं कि आप रिजाइन कर रहे हो। इंडिया पहुंचते ही आप अपना रेजिग्नेशन लेटर भेज दीजिएगा। आई एम सो सॉरी, आपका करियर। I'm so sorry, I'm so sorry. सपना और राज, इनका रिश्ता आज तलाक तक पहुंच चुका है, लेकिन कभी यह एक खुशनुमा रिश्ता था। यह कहानी हवस और प्यार की है, इन दो जज्बों के जंग की है, और वो यहां से शुरू होती है। चुराया है तेरी नजर ने मेरे दिल का सब्रों करार। आगे
भाग्य का याद नहीं। देखते हैं तुम्हें, चाहते हैं तुम्हें, सोचते हैं तुम्हें बार बार। यही तो है। हाँ, रोमांटिक पति जो है। इनसे मिलिए, हमारे हामिद साहब। जानती हूँ, तुम्हारे ऑफिस में काम करते हैं। अजी हम भी समझते थे कि हम इन्हें जानते हैं। क्यों, आज कोई राज पता चला? 6 महीने से किसी दूसरे के साथ लगे हुए। बीवी समझती है कि ओवरटाइम कर रहा है ऑफिस में। छोड़ो यार, कुछ खाने को मंगाओ। अरे राज, इसके लिए कुछ वेजिटेरियन मंगाओ यार। कहते हैं शेर भूखा मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा। अरे मैं कहाँ का शेर यार। दो को खुश रखे हुए फिर भी कहते हैं कहाँ का शेर। तुम कहाँ जा रही? मैं बोर हो रही हूँ। आओ अपने दूसरे शेर से मिलवाते हैं। शेर सरीन साहब। सरीन साहब शेर नहीं है तो बब्बर शेर है। बब्बर शेर। अरे राज अब मेरे पीछे मत पड़ो। अरे इनकी शेर दिली तो 2 साल से जारी है लेकिन मजारे की वाइफ को जरा भी शक हो जाए। यू बी विथ योर शेर। जाने हम शेर कहा। हाय रीटा। हाय। तू बहुत लकी है यार, तेरा हस्बैंड तुझे डिस्को में लाता है। ओ हेलो, वो नहीं लाए, मैं जबरदस्ती आई हूँ।
रास्ते से इस तरफ आ जाइए। जरूर ये ड्राइवर पाकिस्तानी होगा, वरना तो हर कोई क्रॉस करने वाले पेडेस्ट्रियन को देखकर रुकता ही है। अरे आपका तो खून बह रहा है। कोई बात नहीं, टैक्सी। सुनिए, इस एरिया में टैक्सी मिलना काफी मुश्किल है। मैं पास ही रहता हूँ, चलिए घर चलकर डिटॉल लगा लेते हैं, वरना आपके जख्म सेप्टिक हो जाएगा। नहीं, मैं घर जाके डिटॉल। टैक्सी। घर तो तभी जाएंगे ना जब टैक्सी मिलेगी। It's lunch hour. चलिए घर चलिए, मरम पट्टी कर लेते हैं, तब तक मैं आपको टैक्सी भी दिला दूंगा, लंच आवर भी खत्म हो जाएगा। कम ऑन, चलिए ना, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, नॉट अ प्रॉब्लम, कम ऑन। होम स्वीट होम, कम ऑन। आइए, दिस इज माय हाउस, फील एट होम। आइए, यह है मेरा छोटा, एक पेंटर हूं मैं। शर्माइए नहीं, जिस्म को देखने में क्या शर्म। आप बैठिए, मैं डिटॉल लेकर आता हूं। आपका खून तो अभी बह रहा है। हाँ वो तो बहेगा ही, डिटॉल जो नहीं लगवाई। मामा मिया, here it is. बैठिए। ओह आई एम सो सॉरी, बैचलर हूं ना इसके लिए ये कप है। सॉरी, प्लीज बी कंफर्टेबल। हाँ डिटॉल। मैं लगा लूंगी। नो, कोई अपने आप को डिटॉल ठीक तरह नहीं लगाता क्योंकि जलता है। नहीं मैं जब जलता है घाव तभी भरता है। बहुत मासूमियत है आपके चेहरे में, एक पेंटर की नजर से देख रहा हूं। बैठिए बैठिए, मैं बैंडेज लगा देता हूं। नहीं मैं खुद लगा लूंगी। अरे अपने जख्मों को सिया तो क्या सिया, कोई तन्हाई में जिया तो क्या जिया। अच्छा शेर है, लेकिन मेरे घर में बैंडेज है। तो आपका ऊपर आना वेस्ट हो गया, आपके घर तो बैंडेज है लेकिन डेटॉल नहीं है। ओ नाइस वन। ये लम्हा जिंदगी है, जीना है तो इस लम्हे को जी लो, इस किताब में लिखा है, बहुत बार पढ़ चुका हूं मैं। जीने के फलसफे जो इस किताब में लिखे हैं उन्हें पढ़कर लगता है हर एक को एक बार ये किताब पढ़नी चाहिए। अरे मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा आपके लिए। नहीं मुझे, प्लीज प्लीज, आपकी आंखों को देखकर लगता है आप जीना सीखना चाहती हैं। प्लीज, आपको लगता है आप मेरी आंखें पढ़ सकते हैं? बिल्कुल। अपने आप पर इतना भरोसा मत कीजिए, धोखा खा जाएंगे।
मेरी डिक्शनरी में धोखा नाम का शब्द नहीं। ना मैं वादा करता हूँ किसी से ना धोखा, ना मैं वादा लेता हूँ किसी से ना धोखा। एनीवे मैं चलती हूँ। ओके, अगली बार कभी यहाँ से गुजर रही हो तो इट्स एन ओपन हाउस। घर में इतनी जल्दी? I had to catch up with some work. अच्छा। आप कहाँ गई थी? आप बीवियों के भी मजे हैं। शॉपिंग करो, घूमो फिरो। क्या करूं? आप मुझे काम भी तो करने नहीं देते। आपको काम करने की क्या जरूरत है रानी साहिबा? उसके लिए हम जो ठहरे, दिन रात मेहनत करते हैं ताकि दुबई से अमेरिका शिफ्ट हो जाएं। वहां पर हमारा अपना एम्पायर होगा, कंपनी का मकान नहीं, अपना घर, गाड़ियां एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स। पर ये आपको अमेरिका से इतना लगाव क्यों है? डॉलर्स डार्लिंग, डॉलर्स। राज, हम इंडिया जाकर भी तो एक बड़ा सा बिजनेस खोल सकते हैं ना। दुबई में रहने के बाद इंडिया? नो नो नो, इट्स गोना बी अमेरिका। ये क्यों? मैं गिर गई। चोट तो नहीं लगी? लगी, फिर कोई भला सा इंसान मिल गया था, उसका घर पास में ही था, घर ले गया और डिटॉल लगा दी। कौन था वो भला सा इंसान? समवन हैंडसम? कम ऑन, शर्मा रही हो? आपको तो शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते? डार्लिंग मेरा नाम राज शर्मा नहीं, राज मित्तल है। सिक जोक। हम पतियों के जोक्स तो सीख ही होते हैं। और पत्नी का प्यार? पत्नी का प्यार ग्रेट। ये कह भी रहे हो तो अपना लैपटॉप देख कर। डार्लिंग तुम मेरे वर्क प्रेशर को समझा करो, मेरी कंपनी का बॉस एक ब्रिटिश अंग्रेज है। और मेरा प्यार इंडियन। क्या बात है, आज बड़े अलग मूड में लग रही हो। ओह बेबी, लेट्स गो टू अ पब टुनाइट, लेट्स कॉल सम फ्रेंड्स एंड पार्टी। बेबी आई हैव टू फिनिश दिस वर्क, उसके बाद मुझे साइट पर जाना है। Please cook some nice supper for me, huh? How boring! I love you, sweetie. अब तो खाना खा लिया है, जाइए ना साइड पे। ये क्या है? अरे मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मैंने कैमरा ऑर्डर किया था और आज ही डिलीवर हुआ है। हेलो, हाँ ठीक है, मैं 15 मिनट में पहुंचता हूँ। बेबी आई हैव टू गो। तुम कहाँ जा रहे हो? आई हैव टू गो बेबी, बाय। गिव मी वन किस, बाय बेबी, सी यू। आंखों को देखकर लगता है कि आप जीना सीखना चाहती हैं।
फोन करूं या नहीं। Oh, Band-Aid. Of course. How are you? I'm fine, thank you. Actually, मैंने फोन इसलिए किया था कि I just wanted to thank you. आइए ना एक साथ कॉफी पीते हैं। नहीं नहीं वो तो कहाँ है आप? मैं सिटी सेंटर। Come on, मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं है। कमन, अरे ये क्या? कंधे में एक बैग, हाथ में एक बैग। Let me take this. Wow, what a beautiful painting. मैं आपको बताऊं मैंने ये पेंटिंग कैसे बनाई? मैंने एक शेर सुना। मैं यूं मिलूं तुझे, तेरा लिबास बन जाऊं, तुझे बना के समंदर, मैं प्यास बन जाऊं। Beautiful. और ऐसे ही मैंने ये ब्यूटीफुल सी पेंटिंग बना दी। कितनी गर्मी हो रही ना आज। नवंबर का महीना है फिर भी लगता है मेरा एसी ठीक तरह से काम नहीं कर रहा। Let me take this jacket off yours. No, no, I'm okay. Okay. Last time मैंने आपको एक किताब दी थी, पढ़ी आपने? नहीं, कुछ ज्यादा नहीं। इसलिए आपकी आंखें ढूंढ रही हैं। क्या? जिंदगी को। आइए आपको एक जिंदगी की झलक दिखाता हूं। कम शट योर आईज। नहीं क्यों? ट्रस्ट मी शट योर आईज। ये क्या है? देखो जिंदगी कितनी रंगीन है। तुम्हारी नजरें इसी को तो ढूंढ रही थी। पर ये रंग उतर तो जाएंगे। जिंदगी रंगीन हुई नहीं कि तुम उतारने को कह रही हो। पर मैं ऐसे घर तो नहीं जा सकती। वॉशरूम इज देयर एंड मे आई हेल्प यू? नो, आई हेल्प मायसेल्फ। रंग उतर गया आपके हाथों का? हाँ। लगता है अभी आपको जाना होगा। मैं तो जाने ही वाली थी। दरअसल मुझे कहीं जाना है और मुझे पता है आप जाने वाली थी। तो कहने की क्या जरूरत थी? इससे पहले कि आप कहें मैंने कह दिया। मेरे यहां रुकने की कोई वजह नहीं। आने की भी तो कोई वजह नहीं थी।
मैं तो उस दिन का शुक्रिया अदा करना चाहती थी। फिर मिलने का जी चाहे तो कोई दूसरा बहाना बना सकती हैं आप। मुझे बहाने बनाने की आदत नहीं। सीख जाएंगी। जरूरत नहीं। जब भी हंसेंगी आप मेरे रंगों की याद आएगी। बस बहुत हो चुका, मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहती। मैंने आपको एक शरीफ इंसान समझा था। शरीफ होता तो आप दोबारा मिलने नहीं आती। अब जान लिया है आपका असली रूप। कभी नहीं। वो भी आ जाएगी। Yeah, I'll call you back. Yeah, no problem. Yeah, okay. Hi. अरे, तुम यहाँ? Surprise. आज अचानक? हाँ, और क्या करूँ? तुम आजकल दफ्तर का काम घर ले आते हो, तो मैंने आज सोचा घर को दफ्तर ले आऊँ। चलो, इधर आओ। आओ, आओ, बैठो। Of course मैं बैठूँगी, ये मेरा ही तो ऑफिस है। क्या लियो मेरे लिए? दिखता नहीं, शर्ट है, बस। देखना चाहती थी कि ये तुम पे फिट होती है कि नहीं। Wow, it's a beautiful shirt. Nice color. चलो पहन कर दिखाओ। सपना, are you mad? अरे पहनो ना प्लीज, फिर लंच करने जाते हैं। लंच? ये लंच की क्या सूची तुम्हें आज? थोड़ा तो वक्त मिले तुम्हारे साथ अकेले में। ठीक है, तो क्या खाना पसंद करोगी? चाइनीज। चाइनीज? लेट्स गो, चाइनीज खाने चलते हैं। सर एक्चुअली सॉरी, मुझे पता नहीं था कि मिसेस मित्तल यहाँ पर हैं। कोई बात नहीं, आमित बोलो। सर मैं आपको बताना भूल गया कि 1:30 बजे मिस्टर जॉनसन से मीटिंग है। मिस्टर जॉनसन से मीटिंग बताना भूल गए तुम? सॉरी सर। सॉरी डार्लिंग, मुझे जाना होगा। तो फिर लंच? अरे लंच तो कभी भी करते रहेंगे हम, लेकिन मिस्टर जॉनसन मेरे बॉस हैं। कमान आवत। राइट। अच्छा हाँ, तो टैक्सी लेकर घर चले जाना। अरे ये क्या है? देखो जिंदगी कितनी रंगीन है। क्या खो गई थी जाना? नहीं कुछ नहीं। कहीं तो खो गई थी जो आपको हमारे कदमों की आहट सुनाई नहीं पड़ी? नहीं नहीं। क्या कोई तुम्हारे ख्यालों में बसा है क्या? Shut up. Go and change. मैं तुम्हें 15 मिनट में तैयार करती हूँ। ओके डार्लिंग, बाय। हेलो, व्हाट अ सरप्राइज। इत्तेफाक की बात है ना कि हम दोनों एक ही शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रहे हैं? ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। चलो भाई, पकड़ा गया हो तो आपको बोल ही दूं, 5 दिन में 5 बार चक्कर काट चुका हूं इस मॉल के। क्यों? लास्ट टाइम आपने फोन जो किया था इस मॉल से। ओफो, तब ये जरूरी तो नहीं कि मैं इसी मॉल में आऊं? मैं दूसरे 5-6 मॉल के भी चक्कर लगा चुका हूं। आपको क्या लगता है मैं दिन भर मॉल्स में घूमती रहती हूं? अरे जिनके पति अमीर हो और अपनी बीवी को काम ना करने देते हो, वो अक्सर मॉल्स के तो चक्कर लगाती हैं। देखिए मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहती हूं, मैं जानता हूं। बाय। बट व्हाई? हेलो, लिसन, आई एम सॉरी। सॉरी? सॉरी किस बात का? लास्ट टाइम मैंने जो आपके साथ मिसबिहेव किया, I'm bad. I know I'm a bad boy. उस दिन की? Forget it. आपको एक बार तो घर आना होगा। जी नहीं। कॉफी के लिए? No. Then beer? No. Then champagne? I said no. Please. बहुत मासूम लगते हो चेहरे से, लेकिन हो बहुत घुन्ने। घुन्ने? Whatever that is, I like it. देखिए ना, कॉफी ठंडी हो रही है। कॉफी ठंडी हो रही है? हमें रोज आ जाता था मॉल में आपको ढूंढने के लिए कॉफी बना के। प्लीज प्लीज चलिए ना, प्लीज प्लीज। हियर इट इज, कॉफी। थैंक्स। एक दिन आपकी पेंटिंग में जरूर बनाऊंगा। आपकी आंखें इतनी खूबसूरत है। वैसे भागेगा नहीं, मैं बाहर आ रहा हूँ। भागूंगी क्यों? लास्ट टाइम आप भाग गई थी। सॉरी, आपने भगा दिया था।
क्या? आंखें। आपको बुरा तो नहीं लग रहा मैं आपकी इतनी तारीफ कर रहा हूँ? किसी लड़की को बुरा लग सकता है, उसकी तारीफ करें तो? तो और करूं? नहीं, आज के लिए इतना काफी है। लगता है आपकी तारीफ करने वाला कोई नहीं है। क्यों? इतने में आपका पेट भर गया। चलिए मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। आपने खाली मेरा ड्राइंग रूम देखा है और वॉशरूम। कम ऑन। आइए ना, आइए। अरे अरे I'm sorry, वापस आ गए हम। या, वो यहाँ है। Very nice. दरअसल ये अपार्टमेंट मेरा नहीं है, मेरे दोस्त का है। वो इजिप्ट चला गया, उसने मुझे रहने के लिए दे दिया। लकी मी। ये एक बेडरूम, वॉशरूम जहां आप अपनी रंगीन जिंदगी धोने गई थी। ये मेड रूम, मेड तो है नहीं। और ये है मेरा मास्टर मास्टर बेडरूम। प्लीज। गुजरने लगी हूँ मैं हर हद से।
I'm home. Where are you? I'm in the bath. Bubble bath. हम भी आ रहे हैं. गरम है और इसे ठंडा लग रहा पाबंद हो. हाँ, अंग्रेज जी का गए, ब्रिटिश. किसी का पीछा करना है, कर लोगे? अभी भी आप ही के पीछे करो सरकार. पीछा करना ही तो हमारा काम है. अब आप यूं ही खड़े रहेंगे या आगे भी कुछ? मेरी शक्ल देखना चाहते थे ना, देख ली. पीछा किसका करना है? ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है. ओके, पता? पता हम बताते हैं. वो क्या करती हैं, किससे मिलती हैं, कहां जाती हैं, उनकी तस्वीरें चाहिए मुझे. सरकार, इनका 8-10 दिन तो पीछा करना पड़ेगा. यही कुछ 2000 दिराम तो लगेंगे. कीमत की मुझे परवाह नहीं, क्योंकि जाती जिंदगी और खुशी की कोई कीमत नहीं होती. उनका पता. कहां तो तुम्हारे पैर घर से निकलते नहीं थे, अब है कि घर में टिकते नहीं. हाँ.
हेलो डार्लिंग, घर में क्या कर रही हो? कम, लेट्स गो फॉर लंच। नहीं नहीं आ सकती मैं तुमसे मिलने। डोंट बी क्रेजी। अरे पर तुम बात समझने की कोशिश तो करो। नहीं मैं कुछ नहीं समझ रहा। 1:30 माबिला क्लब में मैं इंतजार कर रहा हूँ। अरे पर हेलो हेलो, आज मैं बाहर जा सकती हूँ? इसमें पूछने की क्या जरूरत है? नहीं फिर आके डायलॉग तो नहीं मारोगे ना? नहीं नहीं तुम जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू। यू आर ब्यूटीफुल। कोई नहीं देखेगा, कम ऑन। अरे डोंट डू दिस इन पब्लिक। क्या क्यों, तुम्हारा हस्बैंड थोड़े यहाँ पे। योर बिजी हस्बैंड इज वर्किंग बेबी, कम ऑन। Let's go. हामिद, मिस्टर जॉनसन अभी तक नहीं आया यार। आई बुक द टेबल फॉर 1:30। वो कभी अपने लंच अपॉइंटमेंट के लिए लेट नहीं होते। क्या हुआ हामिद मिया, किन ख्यालों में खोए हुए? सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ सर। क्या सर? सर आप अपने घर पे भी ध्यान दीजिए, आप अक्सर देर रात घर जाया करते हैं। घर पे क्या ध्यान देना हामिद मिया, काम काम। जब तक काम ठीक चल रहा है सब कुछ ठीक चल रहा है। करियर इज द मेन थिंग हामिद, करियर। क्या बात है, आज तुम बहुत खुश लग रही हो। अभी तो तुमने मेरी आंखें भी नहीं पढ़ी। आंखों से नहीं तो सांसों से पता चल ही जाता है बेबे। चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। आज छुट्टी मनाने का मूड लगता है तुम्हारा? हाँ 3 दिन की छुट्टी। 3 दिन की छुट्टी, इसका मतलब? सवाल आज तुम नहीं करोगे, मैं करूंगी। तो करो। मुझसे प्यार करते हो? प्यार करना तो आता है पर प्यार में पढ़ना नहीं आता। मेरे दिल में इतना प्यार है लेकिन कद्र करने वाला कोई नहीं। चलो आज तुम्हारे दिल की सुनते हैं, प्यार में क्या महसूस करती हो और प्यार में क्या कहना चाहती हो। तुझे बना के
समंदर मैं प्यास बन जाऊं। Amma mia,
कल कपड़े बड़े चुन चुन कर पहनने लगी हो। आपकी खातिर? मेरी खातिर, वो भी दिन में जब मैं नहीं होता। मेकअप भी अच्छा करने लगी हो, वो भी दिन में। आजकल ताने बहुत मारने लगे हैं आप। चलो छोड़ो, व्हाट अबाउट लंच टुडे? नहीं नहीं, मेरी वो ब्यूटी सैलून में अपॉइंटमेंट है आज 12:30 बजे की। इसका मतलब है आज लंच ब्यूटिशियंस के साथ करोगी? हाँ, बस सैंडविच। ओ, तुमने क्या नाम है तुम्हारे ब्यूटी सलून का? नूर। नूर, हैव अ गुड डे। थैंक यू। मरियम, नूर ब्यूटी सलून का पता लगाइए और मुझे कॉल दीजिए, मैं होल्ड पर हूं। ओके सर। सर, उस ब्यूटी सलून का फोन बज रहा है। नूर ब्यूटी सलून? हाँ, मैं राज मित्तल बोल रहा हूँ। क्या 12:30 बजे का अपॉइंटमेंट मिसेस मित्तल का आपके साथ है? जी नहीं सर, तो शायद वो अपॉइंटमेंट लेना भूल गई होगी। हाय सपना। हाय रीटा। हाय, कैसी हो तुम? ठीक हो तुम? ना फोन, ना मिलना, ना वो डांसिंग। किधर जा रही है? बहुत बिजी हो गई है क्या? नहीं यार, बस मैं विंडो शॉपिंग। विंडो शॉपिंग? और यहाँ? यहाँ तो सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं। तुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का शौक कब से हो गया? अरे नहीं यार, बस वो एनीवे छोड़ ना यार, चल कॉफी पीने चलते हैं। अरे नहीं नहीं यार, चल ना, चल ना। हेलो। हेलो, मैं थोड़ा लेट आऊंगी, मुझे कुछ सहेलियां मिल गई हैं। हो कहाँ? उस दिन जिस कॉफी शॉप में गए थे हम, वहीं तुम्हारे घर के सामने। तो अपनी सहेली को भी ले आओ। Shut up. No problem, baby. Take your time. Take your time. I'm waiting. Okay, bye. किससे बातें कर रही थी? लगता है तुम्हारा किसी के साथ अपॉइंटमेंट है। Come on. वैसे भी हम लड़कियों को ना एक आधा फेर तो कर ही लेना चाहिए, क्योंकि शादी के कुछ साल बाद पतियों का इंटरेस्ट पत्नियों में कम होता जाता है।
उस अफेयर में दर्द के अलावा और कुछ नहीं मिलता। क्यों, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ है? हुआ है ना रीटा, आपस में ही तो बैठे हैं, बता ना। रमोला क्या बताऊं तुझे यार, था कोई कुछ महीने एक नशा सा था, तुरंत में वही दर्द। अब कहाँ है वो? शादी कर ली, जर्मनी चला गया, खुश होगा अपनी बीवी के साथ। छोड़ो ना, कुछ और बातें करते हैं। मगर मन तो दीवाना होता है, कहता है फिर प्यार करो, खास कर लड़का उस टड की तरह हो तो। मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ। अरे कहाँ थी इतनी देर? ओफो रीटा, तुम ये भी टाइम कर रही थी? मुझे तो लग रहा है तुम उस स्टड के साथ। कौन सा स्टड? वही स्टड जो पीछे खड़ा है। Have a good day, girls. See you. अगर कोई ऐसा लव हो तो एक्साइटिंग बट डेंजरस। नाराज लग रही हो? क्या ये भी मेरी आंखों में लिखा है? तुम्हारे सर से लेकर पांव तक लिखा हुआ है ये। पता है तुम्हें, जब मैं तुमसे नहीं मिलती हूँ बहुत बेचैन रहती हूँ, और जब तुम मुझसे मिलती हो उस दिन मैं अपने आप से नफरत करती हूँ। I hate myself. Then go, finish this relationship for us. खत्म कर दो इस रिश्ते को। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, शायद उसी से मुझे सुकून मिलेगा। Then go to your boring, unromantic, bloody, idiotic husband. उनके खिलाफ एक भी लफ्ज मत कहना। I will kill you. Oh boy, what a woman, man! कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से निकला कैसे? मिस्टर जॉनसन पूछेंगे तो जवाब मुझे देना होगा, मुझे। समय ये समझा कि टेंडर की डेट 26 जनवरी है, लेकिन वो 24 निकली। That's it. जो आदमी अपने काम के बारे में लापरवाही कर सकता है वो हमारे किसी काम का नहीं है। सर आप मुझे फायर कर रहे हैं? हाँ मैं तुम्हें फायर कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा वीजा कैंसिल करवा दूंगा और तुम्हें वापस पाकिस्तान जाना होगा। सर प्लीज आप मेरी बीवी और बच्चों के बारे में तो सोचिए सर। ये तुम्हें लापरवाही करने से पहले सोचना था। सर मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ता है, जनवरी में उसे कहीं भी एडमिशन नहीं मिलेगी पाकिस्तान में, प्लीज सर। मैं तुम्हारी गलतियां अपने सर पर जॉनसन के सामने नहीं ले सकता। सर प्लीज सर, प्लीज सर मेरी फैमिली के बारे में कुछ सोचिए। यू आर फायर्ड, दैट इज फाइनल। अरे आप मेरी फैमिली के बारे में क्या सोचेंगे? आप तो खुद अपनी फैमिली को काबू में नहीं रख सकते। व्हाट डू यू मीन? अरे कभी दिन में जाके देखिएगा कि आपकी बीवी कहाँ होती है। जबान खींच लूंगा तुम्हारी। जबान खींचने से सच नहीं बदल जाता सर। Get out. Why say you get out from here? You're finished with this company. Oh, my God.
ऑफिस में काम करते करते थक गया था, तुम्हारा ख्याल आ रहा था। मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पाता, बहुत गलत करता हूं। आई एम सॉरी जाना, आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन अब कोशिश करूंगा। मैं वादा तो नहीं कर सकता, तुम मुझे प्यार करती हो ना? ये कैसा सवाल है, बोलो ना। हाँ। चलो आज मैं तुम्हें डिनर पर लेके चलता हूँ। नहीं। क्यों? फिर कभी। इट्स ओके। आप खाना नहीं खा रहे? भूख मर सी गई है कुछ दिनों से। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी चिंता। मेरी? हाँ यही कि तुम दिन भर क्या करी हो, कहाँ जाती हो। ये क्यों पूछ रहे हैं आप? बीवी हो, फिक्र तो रहेगी। मैं क्या कर सकती हूँ दिन भर? कल रीटा और रमोला के साथ कॉफी पीने चली गई थी, या तो शॉपिंग चली जाती हूँ। सच? मैं 3 दिन के लिए काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ। अचानक? हामिद को निकाल दिया मैंने, आई फायर्ड हिम। इसीलिए आप इतने परेशान हैं? भरोसा उठ गया था उसके ऊपर से। दरअसल मुझे किसी पे भी भरोसा नहीं रहा। जाग रही हो तो सुन लो, मैं 4 तारीख को 5:30 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा। हो सके तो मुझे पिक कर लेना। होप यू विल बी देयर। सी यू। दिलावर बोलो। सरकार, वो खुरफकान में गए हुए हैं। क्या कहा? मैं भी तो खुरफकान में हूँ। वो ओशियानिक होटल में रुके हुए सरकार। ओशियानिक होटल में? रूम नंबर 412। क्या तकलीफ है आपको? आप यहां क्या? मैंने आज चेक इन किया है। क्या प्रॉब्लम है? दरवाजा तोड़ोगे? क्या चाहिए? आई एम सॉरी। बस बस बस, अब मैं समझ गया प्यार का मतलब। वाकई? लिबास जो पहन लिया मैंने। कभी नहीं समझोगे प्यार का मतलब। कहाँ जा रहा है? उसे एयरपोर्ट पिकअप करने जाना है। छोड़ो मुझे। जिंदा हूं, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूं। दुबई में ही थी? हाँ। क्यों पूछ रहे हैं?
कुछ और बात साबित कर दूं तो? क्या कह रहे हैं आप? अब जो बात करूंगा सबूत के साथ करूंगा। ये क्या हो गया आपको? आई फील लाइक अ वोल्केनो। जिस दिन फट गया अंदर दबाव अलावा ना जाने कितनों को जला कर राख कर देगा, ये मैं भी नहीं जानता। बस वक्त का इंतजार है। मैं कहती हूँ यू टर्न ले लो। यस मैडम। तुम्हारा पति नहीं हूं जो मुझसे ऐसे सवाल कर रही हो। मैंने तुमसे कहा था ना मैं वादा देता हूं ना तो धोखा। तुमसे मिलना ही गलती थी, तुम्हारे साथ हर चीज ही गलती थी। I hate you so much. I hate you. Hate me? Hate me? Hate me, baby. I love it. Shakira, how are you, baby? We will meet today. I'll call you back, John. I'll call you back, okay? Yes? Raj, mera naam Raj Mittal hai. Sapna meri wife hai. Oh, Mr. Mittal. Aaiye. बैठिए। क्या पिएंगे आप? कहूंगे तुम्हारा खून तो? तो मैं कहूंगा आप मजाक अच्छा कर लेते हैं। ये मजाक तुम्हें महंगा पड़ सकता है। मुझे सस्ते महंगे की परवाह नहीं, मेरे लिए जिंदगी एक मजाक है। देखिए मुझे पता है सपना आपकी बीवी है, लेकिन मैंने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। जो कुछ भी किया उसकी मर्जी से किया। दुनिया में कोई सही और गलत नहीं होता। मैं नायक हूं खलनायक नहीं। नायक हूं मैं खलनायक नहीं। जरूर आपके रिश्ते में कोई कमी होगी जो वो मेरी बाहों में आई। वैसे जिस लड़की को मैं अपनी बाहों में लेना चाहूं वो आ ही जाती है। सपना के साथ तो ज्यादा कोशिश करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। चीयर्स। लोहा गरम था। मैं बड़े फ्रैंक किस्म का आदमी हूं मिस्टर मित्तल। आपकी शादी खत्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं ना शादियों का
बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूं क्योंकि मैंने कभी शादी नहीं की। आप लोग क्या शादी करके ये समझ लेते हैं कि लड़की आपकी मिल्कियत है? गलत, टोटली रॉन्ग। मैं ये सब दुनिया के सोसाइटी के नियमों को नहीं मानता, नॉट एट ऑल। मैं एक आजाद ख्याल का। अगर आप मुझे यहां ये कहने आए हैं कि मैं सपना को छोड़ दूं, तो मैं कहूंगा मैंने छोड़ दिया, मैं किसी और के साथ लग गया हूं। शकीरा, शकीरा। सपना ने मुझे गिफ्ट दिया। जान, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। वाओ, इट्स सो प्रिटी। यू लाइक इट? आई लव इट। लड़कियां मुझे बहुत गिफ्ट देती हैं, क्योंकि खुश जो कर देता हूं मैं उन्हें। वैसे भी आपने कुछ अच्छा नहीं किया सपना के साथ, वो तो बहुत प्यार देना चाहती थी पर आपके पास वक्त ही नहीं। लेकिन मुझे उसके या किसी और के प्यार की कोई जरूरत नहीं जिंदगी में। माई मेन बिजनेस इन लाइफ इज लस्ट, हवस। जिंदगी प्यार नहीं, हवस है, और वही मैंने सपना में जगाया। दैट्स इट। मेरा तुमसे मिलना ही गलती थी, मैं ही रिश्ता तोड़ रही हूँ। वैसे भी हमारे बीच में कोई रिश्ता था ही नहीं, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। मैं भूल जाना चाहती हूँ कि हम लोग कभी मिले थे। मेरा अकेलापन था कि मैं तुम्हारे बस के चीज चली आई। मैं राज से प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। Yeah.
याद नहीं आज खान की बर्थडे पार्टी है? पार्टी? अरे हाँ, आज तो पार्टी में जाना था। अम्मा मियां आ भी जाओ। अच्छा ठीक है, आप जल्दी आइए, वेट कर रहे हैं। मैं पहुंचता हूँ। देखो तो कौन आया है। ओहो, हैप्पी बर्थडे खान। फूल कहाँ है? फूल तो लाना भूल गया। और तोहफा? दरअसल तोहफा भी लाना भूल गया। छोड़ दो यार, फूल भी छोड़ दो, तोहफा भी छोड़ दो। अपनी बीवी के लिए कुछ तोहफा लायो। तोहफा? सपना के लिए तोहफा। अम्मा तुम तो यार सीरियस हो गए मियां। क्या ना क्या? It's my birthday. Give him a drink. Come on. Cheers. Cheers. Cheer up, everybody. Yeah. Enjoy yourself. Enjoy. It's fine, just fine. Sure. Yeah, it's fine. Okay, fine. Sure. Fine. Yeah, yeah, definitely. Like, also insurance. No, it's okay. It's my fault. It's my responsibility. No, it's okay. It's okay. Thank you very much. All right, then. बात है, ऐसे तो पहले कभी नहीं किया आपने। तुम्हें क्या बताएं, क्या क्या किया है पहली बार हमने। पहेलियों में बातें भी पहली बार ही शुरू की है आपने। जिंदगी पहले पहली भी कभी नहीं थी।
क्या बात सता रही है आपको? क्या बताऊं? क्या क्या? कल आधी रात उठी तो कमरे में भी नहीं थे आप। तुमने तो पूरा घर ढूंढ मारा होगा। हाँ। कल रात नींद नहीं आ रही थी, ड्राइव पर चला गया था। ये भी पहली बार? जूते बदल लूं वरना जमाना हंसेगा। पहली बार। तुम्हारे हस्बैंड नहीं आए तुम्हारे साथ? हाँ, मेरे हस्बैंड गए हैं लंदन बिजनेस ट्रिप पर। बिजनेस ट्रिप, पता है ना यार, होगा किसी अंग्रेज की बाहों में झूल रहा होगा। वैसे ये मर्द सारे एक जैसे होते हैं। हाँ, लेकिन आजकल मामला कुछ उल्टा ही चल रहा है। What do you mean? Wives are having affairs? Anyways, Raj is so handsome, I don't mind having affair with him. Affairs करना मेरा department नहीं है, Rita. पुलिस क्या चाहती थी? क्या कोई लापता है? और तुम्हें तड़पा तड़पा कर मार सकता जितना तुम दोनों के कारण मैं तड़पाऊं। तुम जल्लाद हो। और तुम क्या हो? तुमने मेरे भरोसे, मेरे विश्वास को धोखा दिया, बेवफाई की मेरे साथ। मैंने ऐसा क्यों किया? ये सोचा है आपने? सफाई पेश मत करो। मैंने ऐसा क्यों किया? ये वजह जानने की कोशिश की है आपने? पाप करने की कोई वजह नहीं होती। जो तुमने किया वो महज हवस थी, वो भी एक ऐसे आदमी के साथ। हाँ, पति पत्नी के रिश्ते में प्यार के अलावा कुछ और भी होता है। Shut up! इतने अरसे से कभी एक बार आपने मुझे कभी प्यार से छुआ? चिल्लाओ नहीं, घर की दीवारों में दरार पड़ जाएगी। अपने पाप को लफ्जों का चोला पहनाकर ढकने की कोशिश मत करो। जो तुमने किया वो सिर्फ पाप था। हाँ, मैंने पाप किया है। और आपके वो दोस्त, अगर वो अपनी बीवियों को धोखा दे तो शेर है। बस वही एक औरत करे तो शी इज अ बिच। अक्सर सच से हार कर मर्द ताकत का सहारा लेता है। मुझे सिर्फ तलाक चाहिए। अमेरिका जाकर सेटल होना था, बड़े बड़े ख्वाब देखे थे मैंने, लेकिन अब हम दोनों इंडिया वापस जाएंगे।
वहां पर हमारा तलाक होगा, हम दोनों अलग होंगे और फिर मैं अमेरिका चला जाऊंगा। एज ऑफ टुडे यू फिनिश्ड माय करियर। मुझे आपकी सजा मंजूर है, लेकिन आंखों में पछतावा नहीं मगर दिल में है। सुबह पर नहीं, बस सोच रही हूँ कि आपने इतनी छोटी सी सजा कैसे सुना दी। मैंने जो पाप किया है उसकी सजा तो फांसी होनी चाहिए। वो हमारे पास में होता तो वो भी दे देते, लेकिन फिलहाल सिर्फ तलाक। राज को उस मुकाम तक ले आई है जिस दलदल से निकलना आज बहुत मुश्किल है। एक तरफ तलाक और दूसरी तरफ पुलिस है।
Hello. Hello. One ticket for Mumbai. Okay. Madam, I'm getting late. Just a moment, please. कबूतर उड़ना चाह रहे हैं। सुना है कि आप अपना मुल्क इंडिया भाग रहे हैं, सो जाके मिलता चले। भाग नहीं रहा हूं, जा रहा हूं। पूछ सकता हूं किस लिए जा रहे हैं? माँ की तबीयत ठीक नहीं है। अल्लाह सलामत रखे। 3 सूटकेस पैक हैं। चौथा कर रहा हूं। साल डेढ़ के लिए जा रहे क्या? नहीं, सिर्फ 15 दिन के लिए। इतने सामान के साथ 15 दिन? रिश्तेदारों के लिए गिफ्ट खरीदी है। हम भी तो आपके रिश्तेदार ही हैं। आपको भी गिफ्ट चाहिए? घूस देने का कोशिश है? गिफ्ट को घूस का नाम आप दे रहे हैं। जबान लड़ाने का बहुत आदत है तुम्हें। बचपन की आदत है, आसानी से जाती नहीं। बचपन की आदत की वजह से जवानी जेल में न कट जाए रफीक। इंस्पेक्टर साहब, आप बीच में नहीं बोलेगा मोहतरमा। वो क्या है ना कि आपकी मीठी जबान की वजह से राशिद मियां थोड़ा पिघल जाते हैं। जाने तो हम नहीं देंगे मियां। क्यों? जबरदस्ती है क्यों? वो भी बचपन से पसंद नहीं है। अब हम आपको क्या बताएं कि हमें बचपन से क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं। मगर सहना पड़ेगा, हमारा वतन है और हम यहाँ कैदी हैं। जुर्म ना करो तो मेहमान, और जुर्म करो तो कैदी। मैं आपके ऊपर वालों से बात करना चाहता हूँ। ऊपर वाले भी हम ही हैं मियाँ। ऊपर वाला तो सिर्फ एक है, लेकिन वो मुजरिमों का साथ कहाँ देता है? जुर्म साबित करने से पहले आप हमें मुजरिम नहीं बुला सकते। ऊंची आवाज में हमसे बात करने के लिए अभी अंदर कर सकता है तुमको। हाँ खान, ऑफिस का ध्यान रखना। हाँ मैं बस अभी निकलने ही वाला हूँ। इंस्पेक्टर साहब, 1 मिनट। हाँ ओके। हाँ खान, मेरा मोबाइल ऑफ था। मैं मुंबई पहुंचते ही मिस्टर जॉनसन से बात कर लूंगा। क्या कहा तुमने उनसे? मैंने प्यार से समझाया कि आपका इस केस से कोई वास्ता नहीं। और वो मान गए? क्यों नहीं मानेंगे? एनीवे, आप जाइए, आपकी फ्लाइट का वक्त हो रहा है। मैं गाड़ी एयरपोर्ट पर छोड़ दूंगा। खान के पास डुप्लीकेट चाबी है, वो कल तुम्हें घर पर दे जाएगा। ठीक है। और हाँ, किसी भी तरह तुम 15 दिन के बाद इंडिया चली आना। मैं जानती हूँ आपको तलाक की बहुत जल्दी है, फिक्र मत कीजिए, शायद आपको तलाक की जरूरत ही ना पड़े। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं मजाक कर रही थी। बाय। इंस्पेक्टर राशिद बोल रहा हूँ। मैं आ रही हूँ। बताइए किस पुलिस स्टेशन आना है? बुशेरा पुलिस स्टेशन। मैं आ रही हूँ।
एक्सेस पैकेट. हाउ मच एक्सेस? यू विल हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर इट. नो प्रॉब्लम. मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर रही हूँ. मैंने कहा था ना, तुम्हें डिवोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये खत तुम्हें इंडिया में मिलेगा. प्लीज मुझे माफ कर देना. आई विश यू ऑल द बेस्ट. बता दूंगी. मैंने ही अजय का खून किया है. अब मुझे जो भी सजा देना चाहते हैं मुझे दे दीजिए. मुझे मंजूर है सब. मुझे मंजूर है. इंस्पेक्टर राशिद. अलमाफी मौजूद. इजलिस, इजलिस. क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो तुम? यहां चलो जल्दी चलो. सपना मौजूद. सपना ना मौजूद. माफी मौजूद. जल्दी बैठो. Come on. Hey! Hey, रुको! चलो चलो. जुबान देखे भागता है खबीसा. जल्दी करो हसन भैया, पकड़ कर आएगा उसको. कौन था सपना के साथ? पता नहीं. क्या करने जा रही थी तुम? मैंने पूछा क्या करने जा रही थी तुम? अब गए क्यों नहीं? आपको चले जाना चाहिए था. कुर्बानी देना चाहती हो? समझती क्या तुम अपने आप को? हसन मियां गाड़ी और तेज चलाओ वरना वो भाग जाएगा. तुमने कभी सोचा यहाँ की हुकूमत अगर तुम्हें फांसी पे चढ़ा देगी तो मेरा क्या होगा? किधर गया होगा वो दोनों खबीस? हेलो कंट्रोल रूम, इंस्पेक्टर राशिद बोल रहा हूँ. सारे यूनिट्स कलेक्ट कर दो. उसका घर पे ही पता करो. हाँ हाँ, वो सीधा अपने घर पे ही गया होगा. फौरन गाड़ी एयरपोर्ट की तरफ मोड़ो. हसन मियां वो दोनों अपने घर की तरफ ही नहीं गया. घर नहीं जा सकती है वो. We'll be right back.
give the orders. All units alert, all units alert. मिस्टर राज मित्तल और सपना मित्तल मुंबई के लिए ट्रैवल कर रहे हैं. जिस भी एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हैं उनको इत्तला की जाती है. उनको रोको, उनको बोर्ड ना करने दिया जाए. ऑफ लोड देम. दिस इज अ सिक्योरिटी अनाउंसमेंट. दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल एयरलाइन ऑफिशियल्स टू ऑफ लोड मिस्टर राज मित्तल एंड मिसेस सपना मित्तल एंड रिपोर्ट देम टू द सिक्योरिटी डेस्क इमीडिएटली. थैंक में नहीं है. चलो भी में देखते हैं. हसन भैया टारगेट पे चलो. राशिद भैया, मैंने पहले ऐसे कभी आपको हंसते हुए नहीं देखा, और वो भी जब मुजरिम फरार हो गए. अल्लाह ताला ने जब उन्हें जाने दिया तो हम बंदे कौन होते उन्हें रोकने वाले. हसन मियां, लगता है ये हादसा होगा, कत्ल नहीं. सही फरमा रहे राशिद मियां, वरना ये हमारे हाथ से कैसे निकल जाते. वाकई